कौन बनाता है हिंदुस्तान, कौन बनाता है हिंदुस्तान। ट्रैक्टर की लंबी कतारें और ट्रॉली में गेहूं लेकर इंतजार करता किसान, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब है एमपी के शाजापुर के अवंतीपुर बड़ोदिया तहसील के गांव बगरावत में वेयर हाउस की तस्वीर। जी हां, गौर से देखिए, वेयर हाउस जहां किसानों का गेहूं रखा जाना है उसकी छत ही नहीं है, लेकिन ऐसे वेयर हाउस को खरीद केंद्र बना दिया गया। समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। प्रदेश में मौसम बदला हुआ है और ऐसे में अगर बारिश होती है तो बिना छत वाले इस केंद्र पर रखा सरकारी गेहूं भी कर खराब हो जाएगा। किसानों ने केंद्र के बाहर नारेबाजी भी की। जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, हम अपना अधिकार मांगते। किसानों का आरोप है कि वेयर हाउस की शटर बंद कर अंदर तुलाई का काम चल रहा है। केंद्रों पर किसानों के लिए छांव और ठंडे पानी के इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यहां तस्वीर पूरी तरह से अलग है। दो दिन हुईगा पर हमारे यहां ना तो तुले ना पानी ना छांव और ना काई आई नहीं। यो मान नानो से बच्चे दो दिन को ट्रैक्टर पे पड़े न हो पड़ू ओकन। क्या नाम माता जी आपका? रेशम भाई। क्या है कि ट्रैक्टर किराए से करके लाता है, एक रात्रि के एक दिन के 500 रुपये देता है, दूसरी यदि रात रुक गया तो फिर 500 रुपये देता है, और ये यही स्थिति और हमेशा के लिए रहती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ को रात के समय 10 बजे 11 बजे 5-7 ट्रैक्टर अंदर होते हैं, और ये केवल व्यवस्था शाखा प्रबंधक और वेयर हाउस वाले की मिली भगत के कारण होता है ये सब काम। और किसान परेशान होता है, किसान संगठित नहीं है। हम तो गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमारी यहाँ तुलाई सुबह आए किसान और शाम तक उसका ट्रैक्टर तुलना चाहिए। भाई सर, ना तो किसानों के लिए और न किसानों के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है और न कोई छाया की व्यवस्था है बैठने के लिए, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मतलब भाई साहब, अधिक बारिश अगर हो गई तो किसानों का जो अंदर रखा गोडाउन में जो माल वो भी भींग जाएगा। तो यहाँ पर टीन शेड की व्यवस्था नहीं, वेयर हाउस के ऊपर किस प्रकार से अनुमति दे दी शासन ने? अब ये तो शाखा प्रबंधक और वेयर हाउस वाला जाने, हम किसान को क्या मालूम है कि इनको कैसे अनुमति दे दी। वैसे तो इनको अनुमति नहीं देना चाहिए थी, यदि इनकी व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई है तो व्यवस्था नहीं देना चाहिए। मामले में सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र शर्मा वेयर हाउस की जिम्मेदारी बताते नजर आए। मेरे संज्ञान में नहीं, मामला वेयर हाउस से संबंधित है, तो आप वेयर हाउस के प्रबंधक से बात करें, जिला प्रबंधक, वो आपको डिटेल जानकारी देंगे। क्या नाम लिखते हैं सर? हालांकि सीताराम वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक में अधूरा निर्माण होते हुए बिना छत के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी करने वाली संस्था को नोटिस देने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि खरीदी केंद्र का पहले निरीक्षण होता है और सुरक्षित गेहूं रखने के अलावा अन्य व्यवस्थाएं देखी जाती, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना छत के वेयर हाउस को खरीदी केंद्र कैसे बना दिया और ऐसा करने वाले के खिलाफ क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा? पंजाब केसरी के लिए सुनील गोयल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।